भाई हम लोग पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं। एक्चुअली क्या कि सरकार ने ये अनाउंस किया है कि 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको पेंशन दी जाएगी 15,000 रुपये पर पर्सन। तो हम लोग वो चेक करने के लिए आए हैं कि कौन आदमी 60 साल से ऊपर है उसको देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो कोई नजर आ नहीं रहा है। हेलो कौन है भाई? हेलो कोई है? कोई भी नहीं है। सिद्धू साहब मैं आपको एक बात बता दूं। दो बताओ। अरे वैसे आपको कोई आदमी क्या बात बता सकता है? जिस आदमी को पहले से 20 लाख मुहावरे आते होंगे उसको वो तो 2 सेकंड पहले से 2,000 रुपए ऐड हो गए होंगे। भाई कोई है? चल मुहावरा ही सुन ले। हाँ चलो एक मुहावरा देखो। सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रहीं, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रहीं। सिंधु साहब हम पहली बार आए हैं, पहली बार में आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो, बताओ। इतना बड़ा घर खाली है, कोई नहीं है यहाँ पे। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें हमें पकड़े जाने का खतरा हो। चलो फिर तुम ही आवाज दे दो, शायद कोई आ जाए। हेलो एनीबडी आउट देयर? यस हेलो यस। मैं ये पूछ रहा था कोई है घर पे? ये बताइए। हम पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं। अच्छा अच्छा आइए 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 बैठिए बैठिए। दादी पेंशन विभाग से है, गाली खांसी विभाग से नहीं है। कितना मर्जी खांस रहे, 15,000 से ज्यादा नहीं मिलने वाला। इनको क्या हो गया जी? ये बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई जी, 111 साल की हो गई। लोगों के दांत नकली होते हैं ना, इनकी जुबान भी नकली है। अच्छा तो कभी कभी खाना खाती है तो जुबान पेट में चली जाती है। अच्छा फिर हम लोग मछली पकड़ने वाला कांटे डाल के बाहर निकालते हैं। बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है। कहाँ से आए ये लोग? दादी ये बुजुर्गों को 15,000 रुपए पेंशन देने वाले लोग हैं। अच्छा आ जाओ बैठो बैठो। नहीं बैठिए 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 बैठो। जी तो आपके घर पर कितने लोग हैं? जी वैसे तो 5 लोग हैं पर बुजुर्ग बहुत ज्यादा है, हो सकता कल तक 4 रह जाए। इनको कहने का मतलब है टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग अपना 5 5। उनमें से बुजुर्ग कितने हैं? 5। यानी कि सारे के सारे बुड्ढे हैं? नहीं नहीं सारे के सारे थोड़ी बुड्ढे, कोई जवान नहीं। मैं जवान हूँ ना, 61 साल। बताओ यार 61 साल का आदमी भी कभी जवान होता है? एक एक आप मेरी उम्र पे ना जाए, मैं भी तैर के नदी पार कर लेता हूँ। हैं? हाँ सामने ब्रिज बना रखा है उसके ऊपर चल के क्यों नहीं जाते, तैर के क्यों जाते हो? चला नहीं जाते ना, घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, तैर के चला जाता हूँ, तैर के चला जाता हूँ। घर के बाकी मेंबर किधर हैं जी आपके? अभी वो पिछले हफ्ते चले थे बेडरूम से, यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। वो मेरी बुआ है। अच्छा अच्छा नमस्ते जी। खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। राम नाम सत्य है, बुजुर्ग बहुत ज्यादा है ना, बुजुर्ग बहुत ज्यादा है। हाँ अरे दादी जी बुजुर्ग बहुत ज्यादा हो गए। एक और नहीं है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बहुत ज्यादा है। एक मिनट ए तीनों आपस में हाथ फंसा के खड़े रहो, बीच में डंडी डाल लो। हाँ बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए। आप बनाए सीख कबाब। हाँ इनको आप अस्पताल क्यों नहीं लेके जाते हैं? अस्पताल से तो आइए, 111 साल की है, अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होएगा? एक मिनट एक
बात मैं आपको क्लियर कर दूं मिस्टर ट्रिपल वन की हाँ। हमने इरादा किया है कि 90 साल तक ही पेंशन देंगे। अच्छा उसके बाद हम आदमी को ढीठ की कैटेगरी में डाल देते हैं क्योंकि जो आदमी अब तक ओके नहीं हुआ उसका बाद में भरोसा नहीं है। उसके लिए आपके पास अलग से पेंशन प्लान है? हाँ उसके लिए हमारे पास एक अलग प्लान है वो आपको बताते हैं हम। ये घाट गए मुर्दे लौट जहर का इंजेक्शन है हमारे पास। इसको ना दाल में डाल के देना, सुई हम भूल गए लाना इसलिए इसको वैसे सुई लगाते हैं हम लोग। मेरी बात सुनिए, हाँ जी ये कोई आम बुजुर्ग नहीं है हमारे। अच्छा आपको पता है अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए हाँ जी इनकी वजह से गए। कैसे? अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा ठानेदार था क्या नाम लॉर्ड वायसराय उसके मुंह पर खांस दिया था तो मर गया वो, गोली चढ़ गया उसको, हो गया रिएक्शन। अच्छा वो दवाई लेने गया बाकी अंग्रेज पीछे पीछे गए हमने पीछे से गेटवे ऑफ इंडिया पे ताला लगा लिया। चलो मेरी बात समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं मैं एक एक करके आपसे सब पूछता हूँ। आप सबसे पहले इधर आइए। एक सेकंड आपके पास कोई बंदा है जो यहाँ तक ले जाए इनको? 15,000 रुपए किसको चाहिए? हाँ सर चेक चेक कर। ये वाइब्रेटर मशीन है यार ये राजू। चेक कर लेते एक मिनट। ठीक है आपका नाम क्या है जी? कौन सा वाला बताऊं? मतलब कितने नाम है आपके? जिंदगी में जितने आए सबने नया नाम दिया। इसके दद्दू मुझे जानू कहते थे, पड़ोसी राम प्रसाद चमेली, फिर मुगले आजम आया मधुबाला हिट हो गई, गुरु प्रसाद मुझे मधुबाला कहने लगा। बोलो कौन सा बताऊं? एक मिनट मेरा घुटना पकड़ लेंगे या मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। इनमें से ये जो राम प्रसाद है बहादुर प्रसाद इनमें आपके हस्बैंड का नाम क्या है? कोई भी नहीं। मेरा मतलब आपके हस्बैंड आपको प्यार से क्या बुलाते थे? बुलाता तो तब ना जब कहीं जाने देता। शादी के 3 महीने तक घर में ही रखा। Oh, how sweet. आपसे इतना प्यार करते थे? प्यार नहीं शक करता था। उस जमाने में मैं कुछ ज्यादा ही कोऑपरेटिव हुआ करती थी। अब तो मैं थोड़ी बुढ़ी हो गई हूँ। मुझे जूली बुला लो चलेगा। अच्छा ठीक है छोड़ो। एक मिनट तो बंदा है जो यहाँ तक छोड़ जाए। 15,000 रुपया किसको चाहिए? यार मैं इसे जूते पॉलिश करा लेता, गलती हो गई मेरे से। आ जाओ आप आ जाओ नेक्स्ट। ये आपका नाम क्या है? लकटुनू टुनू। दादी एक जगह रोक ले इसको। अब याद नहीं बेटा, अब याद नहीं। 88 इयर्स पहले पापा जी ने रखा था, इतनी पुरानी बात भला कैसे याद रह सकती है? नहीं नहीं एक काम करो मैं कहता हूँ इनसे रहने दो, उनको पूछ लो सब कुछ पता है। नहीं, एक मिनट इनके कहने का मतलब है कि आपको किस नाम से बुलाते हैं? किस नाम से नहीं, किस करके बुलाते हैं? भाई अब ये मैं लिख तो नहीं सकता ना, भी इसका स्पेलिंग मुझे लिखना नहीं आएगा ना, कैसे लिखूं मैं इसको? ऐसे बार बार मुंह खोलोगे तो मक्खी घुस जाएगी, इसकी ओट में कर ले। मुझे कोई शौक नहीं है तेरे भले के लिए कह रही हूँ, कर ले कर ले। क्या नाम बताया आपने? दस्तखत ना सही किस्तखत तो मिल गए। आपको पेंशन चाहिए लेकिन आपको किसी का नाम वाम तो पता नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड ही दिखा दो मुझे अपने। ये आया 250 साल पुराना। बाबे आदम के टाइम का है। समझ नहीं आ रहा कि आदमी को दाढ़ी आई है कि दाढ़ी को आदमी आ रहा है। Ah,
कभी मैं इसको आ जाता हूँ, कभी ये मुझे आ जाती है, और जब सर्दी आती है मैं इसको लपेट के कानों पर भी ले लेता हूँ। ये कौन है जी? ये हमारे घर के बड़े पुराने नौकर है, 70 साल से काम कर रहे हैं हमारे घर में। 70 साल? हाँ जी, बहुत पुराने नौकर है ये, और MCH मसाले वाले अंकल ना, दोनों क्लासमेट है, तो ये हमारे यहाँ आ गए। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? वैसे तो इनका नाम छोटू है। अच्छा जी, पर हम लोग प्यार से छोटू कहते हैं। मतलब हर तरफ से छोटू, तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क प्यार का, हम लोग प्यार से कहते हैं ना छोटू। तुम नहीं समझोगी। प्यार की बातें समझ नहीं आती जी इसको। ये ले जी, आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता इसको कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड। आई तो यहाँ किसी की भी ठीक नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, पैसे भी लेकर आए हो या खाली हाथ ही आ गए? सबको पेंशन मिलेगी, लेकिन मैं टेस्ट करूंगा कि कौन असली है कौन नकली है। पहले पूरा टेस्ट करना पड़ता ना जी। ये क्या है? ये 50 साल उम्र कम हो गई है। ये हेयर फॉल है, हेयर फॉल है। और हेयर फॉल तो एक तो बालों का होता है, तो पूरा गुच्छा है। नहीं, 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 नहीं। हमारे जॉइंट फैमिली ना, तो ग्रुप हेयर फॉल होता है। ग्रुप हेयर फॉल। एक मिनट निकालो। ओए 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 ओए, जांका कोड़ा, जांका कोड़ा। एक मिनट। हाँ, तेरे को किसने कहा था विक पहनने को बुड्ढड़? सर एक मिनट बात सुने। हाँ जी, सुमड़ी में घुमड़ी। गलती हुई है, मैं मानता हूँ, बच्चों से गलती हो जाती है। बच्चों से? बुड्ढों से गलती हो जाती है। अभी हमने सरकार को झूठ बोला। हाँ जी, तो क्या सजा क्या होगी इसकी? ज्यादा ज्यादा सजा ये 15,000 रुपए पर पर्सन ईच तो लगेगा कैश। 3 साल कैदे बामशक्कत, और 20,000 रुपए रिश्वत, और 50-50 कोड़े ईच। एक काम करते हैं, कोड़े से शुरू करें। मोया मत जाने, तेरे कीड़े पड़े, तू औरत पे हाथ उठाएगा, प्रेग्नेंट बकरी से गंदा तेरा फिकर है। अरे मैडम, आप तो बुरा मान गए। चलो पहले इन्हीं से शुरू करते हैं, इनको लेटाओ। एक मिनट। सुनो, तुमने जब चढ़ती जा रही मेरी बुआ के ऊपर, 2 मिनट बात सुनो। एक मिनट। हाँ, आप हमारे घर में अच्छा लगता है ऐसे। हाँ, आपको माता रानी की कसम, आप ही ले तो स्टैचू। देखो ये कैसे बूढ़े, मिल्खा सिंह से भी तेज भाग गए। रफू चाचा, एंटी शेंटी गो। जब से ये स्कीम शुरू हुई है ना पेंशन की, लोग पहले बच्चे किडनैप करते थे, आजकल बुजुर्ग किडनैप करने लगे हैं। अपने माँ बाप को लोग कमरों में ताला लगाते हैं, दादा दादी को, कि कोई इनको किडनैप ना करके ले जाए, इनकी सेफ्टी फर्स्ट है। बड़ी इज्जत हो गई है जी बुजुर्गों की। हाँ। वैसे सेक्रेटरी, भगवान ने एक मौका और दिया है, घर पे कोई नहीं है। किस बात का मौका? मतलब देखो समझो, छोटी सी बात है कि अब अभी तक हमारे में बहुत सारे अरमान बाकी हैं। तो कुछ ऐसा करें कि 60 साल के बाद जब हम बूढ़े हो जाएं, तो हमारे पास भी कुछ मेमोरेबल मोमेंट होने चाहिए, जिसको याद कर कर के हम मुस्कुराएं। समझ लिया ना मेरी बात? मुस्कुराने वाले मेमोरेबल मोमेंट्स चाहिए आपको? बस मैं यही चेक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक लड़की हो। करंट 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 करंट।
वेरी गुड, ये तो बिल्कुल ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो अगले घर चलते हैं बुड्ढों की चेकिंग करने के लिए।